आज से कुछ एक महीने पहले ना यार मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हुआ चाइना में। पूरी स्टोरी सुनना भाई आपको भी, मतलब लाइक मैं तो ऐसा बंदा था, मैं तो मतलब कभी बिलीव करता ही नहीं था कि यार ये सब चीजें भी हो सकती हैं। मैं गेट की तरफ भागा और मैं दो बार गिरा भागते भागते, तो यहाँ तक कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई जिम तो छोड़ो वापस, क्या मुझे शायद यहाँ पे भी नहीं रहना, मुझे फैमिली के पास जाना है। डॉक्टर को कैसे बताऊँ कि भाई मैंने भूत देख लिया। बट लिटरली भाई मैं भी इससे पहले ना बहुत बाहुबली बनता था कि ये सब चीज़ें कभी होती नहीं है। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि शायद अब मुझे लग रहा है मुझे इंडिया वापस चले जाना चाहिए था। मैं टिकट वगैरह भी देख ली थी, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया था। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आदविक जर्नी वुहान चाइना की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। भाई आज से कुछ एक महीने पहले ना यार मेरे साथ ना एक इंसिडेंट हुआ चाइना में। आज से पहले मतलब मैं बिलीव नहीं करता था कि भूत वगैरह होते हैं और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी वगैरह, बट जब मेरे साथ हुआ ना भाई लिटरली मैं एक दो हफ्ते के लिए बीमार पड़ गया था। आपको बीच में पता चला होगा कि मैं बहुत तगड़े वाला बीमार पड़ गया था, तो आज आपसे वो स्टोरी शेयर करता हूँ और आप भी सुन के ना भाई हिल जाओगे कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। मैं तो आज से पहले कभी बिलीव नहीं करता था, बट उसके बाद भाई मेरा टोटली बिलीव होने लग गया उस पर। तो अभी चलता हूँ यूनिवर्सिटी के बाहर, मैंने सुबह की हालांकि क्लास ले लिया है। यहाँ की जो सबसे अच्छी बात लगती है ना मुझे, ऐसे ना ही छोटी सी गाड़ियाँ लेके ना चलते रहेंगे, आपको कोई भी कूड़ा उड़ा या कुछ भी मिलेगा ना तो ऐसे उठा के अपने पास रख लेंगे। आज एक्चुअली मॉर्निंग में ना यार मेरा एक ही लेक्चर था, वो हालांकि मॉर्निंग का सुबह वाला लेक्चर ले लिया मैंने। अब लेक्चर जो है 2 घंटे के ब्रेक के बाद है, तो 2 घंटे का ब्रेक है, तो मैं सोच ही रहा था यार इस टॉपिक पर वीडियो बनाने को कि आपको भी बताऊँ। बट भाई जब जब मैं ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हुई थी ना वहाँ पर, तो मैं सोचता था ना तो मुझे लिटरली गूज़बम्स आ जाते थे। तो मैं कन्फ्यूज़ था कि यार वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए ना सब कुछ भाई रिकॉल हो जाता है और लिटरली विदाउट फैमिली के साथ रहना और ये सब चीज़ें हो जाए ना, सो बहुत ही दिक्कत होती है। अभी आपको आगे चल के कैफे में बताता हूँ पूरी स्टोरी, सुनना भाई आपको भी, मतलब लाइक मैं तो ऐसा बंदा था, मैं तो मतलब कभी बिलीव करता ही नहीं था कि यार ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, बट जब मेरे साथ हुआ ना तो भाई बिलीव भी होने लग गया। आना तो मुझे कॉफ़ी शॉप में था, उस साइड ही आना है, बट मुझे अब टॉयलेट आ रहा, तो यार वॉशरूम जाने के लिए मुझे वॉलमार्ट के अंदर जाना पड़ेगा। भाई क्रिएटिन लेने का डिसएडवांटेज आपको पता ही है, जो जिम वाले बंदे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि क्रिएटिन लेने पे आपको 4-4 लीटर पानी पीना पड़ता है, और तो अगर आप 4-4 लीटर पानी पियोगे एक दिन में तो मतलब आपका आधे से ज़्यादा टाइम तो वॉशरूम में ही जाएगा। सो इसीलिए कभी भी बाहर जाता हूँ ना, मतलब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, इतना टॉयलेट जाना पड़ता है ना, क्योंकि भाई 4 लीटर पानी, अगर पानी भी नहीं पियोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि क्रिएटिन सप्लीमेंट ही ऐसा है कि भाई पानी तो जरूरी है वरना वो किडनी उडनी सब खराब कर देगा। अलावे वॉलमार्ट अंदर घुसते हैं, वॉशरूम का साइन भाई राइट साइड पे है। तो यार इस मॉल में ना ये वाली जो दुकान खुली है ना, नई खुली है, और इसमें भाई जो सारे प्रोडक्ट है ना बहुत ही सस्ते हैं, अंदर से कभी अलग से चेकआउट करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं वॉशरूम की तरफ, मिनी शो वगैरह नहीं घुसना है यहाँ पर वरना कुछ ना कुछ ले ही लूँगा। मिल गया फाइनली टॉयलेट। इन्होंने एडवाइस भी दे रखी है कि आपको ऐसे खड़े होकर करना, वो तो मैंने देख लिया वरना मैं पैर ऊपर करके करने जा रहा था। जैसे चाइना के मॉल में ना यार रॉबोट्स ना मतलब चिप्स कुदकुदे वगैरह लेके ना घूमते रहते हैं बेचने के लिए। अभी आगे यहाँ पे भी एक रॉबोट है, आपको दिखाता हूँ। भाई देखो ये सामने ये आ रहा है, इसने ऐसे टॉयज वगैरह लगा रखे हैं, इसके आगे खड़ा हो जाऊँगा रुक जाएगा। रुक गया, अभी हटूँगा तो चलने लग गया है ना। मस्त चीज़, मतलब आप स्कैन करके ले सकते हो और मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आपको शो करता रहेगा, उसके सामने कोई आ जाएगा रुक जाएगा। और इन्होंने एंटर होते ही ज्वेलरी की शॉप बना रखी है कि लड़कियां वगैरह हैं तो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मतलब गिफ्ट वगैरह करें। सही है भाई, इनका जैसा भी है ठीक है, जिसका जैसे काम चल जाए वैसे चलना चाहिए। फिर कैफे के पास आ गया, पहले कॉफ़ी ले लेता हूँ फिर अंदर बैठ के बात करते हैं। और इन्होंने यार बाहर देखो, आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बैठ जाएंगे यार, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर हम बैठ के बात कर पाएंगे। ओके तो हाँ भाई कॉफ़ी ले ली है, अपनी कॉफ़ी हाथ में आ गई है, अब एनर्जी आएगी। अब आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। एक्चुअली मेरे साथ चाइना में क्या हुआ, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी वगैरह इससे पहले मैं बिलीव नहीं करता था, फटाफट कवर करता हूँ क्योंकि अभी आधे घंटे बाद निकलना भी है, मेरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, सो यहाँ से जाने में भी मुझे 10 मिनट लगेंगे। सो ये बात है न्यू ईयर के टाइम पर, जब चाइना में इनका न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा था, ये अराउंड 31 जनवरी को हमारे जिम वाले का एक नोटिस आया कि मतलब भाई आपकी जिम ना 1 महीने के लिए बंद हो रही है क्योंकि इनका न्यू ईयर सेलिब्रेट वगैरह होगा। तो मैंने कहा यार 1 महीने के लिए जिम बंद कर देंगे तो हम करेंगे कहाँ जिम। तो मेरी डोमेट्री में एक नेपाली भैया थे, सो भाई मैंने ना उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया यार मेरी जिम भी बंद हो रही है, बट एक्चुअल में ना मैंने एक जिम में बात करी है, वो 15 दिन के लिए खोलेगा, मतलब 15 फेब तक खोलेगा, तो उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो मैंने कहा हाँ ठीक है यार, 15 दिन के लिए भी करने को मिल जाए ठीक है, हम उसे पे कर देंगे जितने वो 15 दिन का लेगा। सो हमने बात बात करी, मैं जिम में गया, मतलब ऐसी ही थी नॉर्मल एवरेज जिम थी, बात बात करके मैं उसको मैं पे करके भैया के साथ आ गया। और उसी टाइम ना मेरे को एक वॉलंटियर की सर्विस का ऑफर आया था कि मतलब एक वुहान रेलवे स्टेशन पे आपको वॉलंटियर वर्क मिल रहा है, तो उसमें वो थोड़ा मतलब अलाउंस वगैरह दे देंगे आपको, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह और खाने पीने का 3 टाइम की मील दे देंगे, और आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है यार,
यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी हॉलीडे चल ही रहा है, बैठ के करेंगे क्या घर पे, कितना पढ़ाई करूँगा और कितना क्या करेंगे। मैंने कहा ठीक है ज्वाइन कर लेता हूँ। सो उसी टाइम पीरियड में ना मैंने रेलवे स्टेशन पे वो वर्क भी ज्वाइन किया था, उसकी मेरे पे क्लिप पड़ी होगी तो मैं आपको वीडियो में लगा दूंगा, आप देख सकते हो। सो मैंने ठीक है मैंने ज्वाइन कर लिया वो। सो वहाँ पे जो मैंने ज्वाइन किया था ना उसकी मेरी टाइमिंग थी, जो काम की टाइमिंग थी, मेरे को 7 बजे रेलवे स्टेशन पहुँचना था, करेक्ट 7 बजे, मतलब मेरे को रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे प्रेजेंट होना था, और 7 बजे से 6 बजे तक की थी, शाम के 7 बजे से 6 बजे तक की रेलवे स्टेशन पे काम था हमें, मतलब लोगों को गाइड करना था जो टिकट लेके आ रहे थे कि टिकट काउंटर कहाँ यहाँ वहाँ, उनकी ट्रेन का मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे लगेगी, या कोई ओल्ड एज है उसकी हेल्प वगैरह करना, और अलग अलग काम भी दे देते डिपेंड करता था कि आपकी ड्यूटी कहाँ लगा दें वो। सो उसी टाइम पीरियड के बीच में मैंने वो ज्वाइन किया और वो डेली था। सो स्टार्टिंग में मैं करने लगा, ठीक है मैं 7 बजे मतलब सुबह 6 बजे उठता था नहा धो के, मतलब विंटर्स का टाइम था और मैं चाहता था 7 बजे तक वहाँ रेलवे स्टेशन पहुँचता था, और फिर वहाँ पे भाई वहाँ पे अपना काम वाम करना, लंच वगैरह मिलता था, 1 घंटे का ब्रेक मिलता था, खाना वाना वो प्रोवाइड करते थे। 6 बजे मतलब आते आते रूम पे मेरे डोमेट्री पे 7 तो बज जाते थे मुझे, कभी कभी 7, 7:30 या 6:30 भी बज जाते थे, डिपेंड कि वो कब मुझे फ्री करते हैं। सो ऐसे ही था, फिर मैं 7 बजे आता था, तो मैं जाता था यूजली मतलब 8 बजे करीब, 1 घंटे बाद मैं जिम चला जाता था, 8, 8:30 तक जिम जाता था, 9:30 बजे तक मैं जिम करके वापस आ जाता था। तो एक दिन मुझे वो याद है, दिन मैंने बीच में एक दिन ऑफ लिया था जिम का, अराउंड लाइक वेंसडे का था दिन, मैं उस दिन गया नहीं था, बहुत ही थक गया था रेलवे स्टेशन पे, इतना काम किया था मैंने, तो मैंने वो ऑफ ले लिया था। तो मैंने डिसाइड किया कि आज वेंसडे का ऑफ हो गया, वीक में एक छुट्टी हो गई है, तो मैं संडे को जाऊँगा, संडे को जिम जाके जो बॉडी पार्ट रह गया ना उसकी एक्सरसाइज तो एटलीस्ट करूँगा। तो वो संडे का दिन था, उस वक्त उस दिन मैं आया 7 बजे अपनी डोमेट्री पे, जॉब वगैरह करके ये वॉलंटियर वर्क करके मैं 7 बजे अपनी डोमेट्री पे आया, और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, बट ऑलरेडी मैं एक ऑफ ले चुका था हफ्ते का, तो मैंने कहा नहीं यार आज जिम जाना ही है, क्योंकि मेरी मेन मसल्स रहती थी चेस्ट रहती थी, तो मैंने कहा चेस्ट की ट्रेनिंग करनी है वरना छूट जाएगी। सो मैं 7 बजे करीब मतलब आया, मैंने 1.5 घंटा वेट किया, रेस्ट लिया 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने रेस्ट लिया उस दिन, मुझे याद है वो पूरा दिन, तो मतलब लाइक सोच के बिना गूसबम्स आ जाते हैं मुझे। बढ़िया यार, काफ़ी अच्छी है, मीठी काफ़ी है। दिन में लेट हो गया था, मैं जिम पहुंचा था 9:20 पे, 9:20 पे जिम पहुंचा था, और वो जिम ऐसी है ना, वो चाइना में ना मतलब लाइक ऐसी जिम है कि आप उसकी मेंबरशिप ले लो और पूरे चाइना में आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो ना, चाहे आप वुहान से संघई जा रहे हो, बीजिंग जा रहे हो, तो वहाँ पे उनकी जिम ढूंढो, ठीक है, उनकी पूरी ऑल ओवर द चाइना है, और वहाँ पे आप उनकी जिम ढूंढो, और आपके पास एक ही मेंबरशिप लेनी है और फिर आप एक्सेस कर सकते हो। और मैं अगर वो जिम बताऊँ ना आपको कैसी है, देखो जो मेन रोड है ना उसी के साथ में ही ना, मतलब उनकी मतलब जो बिल्डिंग्स होती है ना वो मेन रोड पे एकदम लिफ्ट लगी हुई है, आप लिफ्ट से 2nd फ्लोर पे जाओ, मतलब आपको वो एक फेस रिकॉग्निशन वाला कर देते हैं, या तो आपको पासवर्ड बता देते हैं, आप पासवर्ड डालोगे ना ऊपर 2nd फ्लोर पे, तो जिम का गेट अपने आप ओपन हो जाता है, वो पूरी रात खुली रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप वहाँ पे मतलब कोई ऐसा कोई बैठा नहीं होता, कोई रिसेप्शनिस्ट वगैरह मॉर्निंग में होते हैं, वो इवनिंग के टाइम चले जाते हैं, और फिर वो आप बाहर निकलोगे ना तो अपने आप लॉक हो जाती है, और फिर एंटर होने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। तो उस दिन मैं 9:20 के करीब मैं जिम में एंटर हुआ। सो मैं जिम में एंटर हुआ तो जिम में ना 3 लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि 10 बजे तक ना ऑलमोस्ट सब लोग एक्सरसाइज करके हटे आते हैं, तो मैं बहुत लेट हो गया था, मैंने कहा ठीक है जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करता हूँ। तो जब मैं एंटर हुआ तो 2 चाइनीज़ थे और एक और मतलब कोई अंकल टाइप के थे, तो वो लोग एक्सरसाइज करते थे, मैं भी फिर अपने वार्म अप वगैरह करके एक्सरसाइज करने लगा, ये जिम का इंसिडेंट है। तो वो दोनों, मैंने हेडफोन लगा रखा था, तो उन दोनों चाइनीज़ ने ना मुझे कुछ बोला जाते वक्त, वो लोग जा रहे थे, तो शायद उन्होंने बोला कि तुम ना आखिरी बंदे हो, तो जाओगे ना तो लाइट वगैरह बंद करके जाना, क्योंकि आप बाहर निकलो वो जिम अपने आप लॉक हो जाती है, गेट लॉक हो जाता है, बस आपको लाइट वगैरह, उसने ऐसे कुछ बोला चाइनीज़ में, मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोला, मैंने हेडफोन भी लगा रखा था, मैंने कहा हाँ 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 मतलब ओके ओके ओके। तो वो दोनों गए, 5 मिनट बाद वो अंकल भी चले गए, अंकल क्या मतलब वो भैया ही टाइप के थे, वो भी चले गए, 3 बंदे थे, वो तीनों चले गए मेरे सामने, ठीक है जिम लॉक हो गई, कोई आया नहीं, और मैं पूरा अकेला था पूरी जिम में, ठीक है। तो मैंने कहा यार अब आराम से एक्सरसाइज करता हूँ, करना क्या है मतलब रूम पे जाके सोना ही है, बढ़िया से करता हूँ। मैंने सोचा टी शर्ट वगैरह उतार के बॉडी मतलब फ्लैक्स वलैक्स करके फ़ोटो वोटो खींचता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है। मेरे को स्टिल रिमेम्बर, और मेरे को गूस बम्स आ गए लिटरली, मतलब शर्ट पहन रखी है, मैं तो ऐसे दिखा नहीं सकता। मैं चेस्ट प्रेस कर रहा था, चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा था, तो मुझे ना राइट हैंड पे ना मतलब थोड़ा आगे जाके मशीनें लगी हुई हैं, राइट हैंड पे ना वहाँ पे कॉर्नर पे शावर एरिया था नहाने का, बाथ एरिया,
तो वही वहाँ पे ना मुझे ना नहाने की आवाज़ें आई कि कोई बंदा नहा रहा है और चाइनीज़ में गाने गा रहा है और पानी गिरने की आवाज़ आई मेरे को प्रॉपर, मतलब मेरे को सुनाई दिया। मैंने हेडफोन उतार दिया था जब वो लोग सब बंदे गए थे, क्योंकि मैं फिर बिना म्यूज़िक के करने लग गया। तो मुझे लगा कि यार बंदा भी कोई है अंदर जिम में, वो मतलब एक्सरसाइज वगैरह करी होगी उसने, वो नहा रहा होगा जब मैं गया था। बट मैं, मेरे को ना, मैं 9:20 पे जिम पे एंटर हुआ था, 9:30 पे वो तीनों बंदे मेरे सामने चले गए थे और ये मेरे को आवाज़ सुनाई दी 9:55 पे। तो मैंने कहा यार वो बंदा तो मुझे दिखा नहीं, मतलब वो कब से नहा रहा है, अगर वो नहा रहा है तो। भाई मुझे लगा है कोई नहा नहीं रहा, वो शावर वगैरह खुला होगा तो मतलब उसकी आवाज़ आ रही है, या तो कोई ऐसे मिथ है मेरा। मैंने इग्नोर किया, ठीक है। उसके बाद भाई मैं दोबारा ना एक्सरसाइज वगैरह करने लग गया और भाई मुझे फिर दोबारा आवाज़ आई कि, मतलब गाने वगैरह नहीं चल रहे थे, मतलब मुझे आवाज़ आई कि भाई शावर ना कोई खुला हुआ है, या तो पानी गिर रहा है या तो कोई बंदा नहा रहा है। मैंने कहा देख के आता हूँ, कोई तो नहा रहा होगा शायद, मतलब कोई है अभी जिम में मेरे अलावा और कोई भी है, मैं अकेला नहीं हूँ इस जिम में। सो मैं गया वहाँ पे, देखा तो भाई जितने भी शावर रूम थे ना सबके गेट खुले हुए थे, सारे शावर बंद थे। और भाई लिटरली मेरे को तो मतलब ब्लैकआउट हो गया कि ये पानी की आवाज़ आई कहाँ से। और मैंने कहा भाई, मैंने अपने आप को ऐसे मतलब कंट्रोल किया कि अरे यार इतना ज़्यादा थक गया हूँ, सुबह से जॉब कर रहा हूँ, वहाँ वॉलंटियर वर्क किया, अब उसके बाद आगे जिम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है अब बॉडी को ना रिलैक्स करना पड़ेगा, माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा, काफ़ी वो हो गया है, थक गया हूँ इसलिए मुझे उल्टी सीधी चीज़ें दिख रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं सावर एरिया से बाहर निकल के आ ही रहा था अपना सामान लेने, मैंने कहा एक एक्सरसाइज करता हूँ उसके बाद ना चलता हूँ, क्योंकि अकेला हूँ यार, मुझे भी अजीब सा लग रहा है, मुझे भाई ऐसा डर सा लगने लग गया। तो मैंने सोचा मेरा भाई दिमाग ना काम नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा मैंने स्ट्रेस दे दिया अपने दिमाग पे, काम नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने कहा एक एक्सरसाइज मेरी पड़ी थी, मैंने कहा ये वाली लास्ट एक्सरसाइज करता हूँ, यहाँ से फटाफट निकलता हूँ, मेरे को लास्ट सेट मारना था। मैं बेंच मार रहा था, मैंने लास्ट सेट मार रहा था, तो मेरे पीछे से, मेरे बेंच के पीछे से अंकल, कोई एक चाइनीज़ अंकल थे, मुझे नहीं पता वो जिम में कहाँ से एंटर हुए, ठीक है, और जिम में कोई भी नहीं था, अंकल आए, बूढ़े से अंकल थे एकदम, उन्होंने ना हाथ में भाई एक रुमाल ले रखी थी और ऐसे मतलब मुंह लटका के नीचे गए और मुझे यूँ देखते हुए गए। और भाई मेरी तो लिटरली मैं तो मतलब एकदम चौंक गया था, यूँ करके हटा। मैंने सोचा जब मैं सावर एरिया में गया भाई अंकल आए होंगे एक्सरसाइज वगैरह करने, मैं रोने वाला हो गया था। वो ना बस मुंह नीचे करके ना ऐसे सीधा चलते आ रहे थे, मुझे ऐसे साइड से यूँ करके देख रहे थे। अब मुझे लगा भाई क्या देख रहे हैं, मुझे लगा चलो ठीक है फॉरनर हूँ मैं, यहाँ पे चाइनीज़ ऐसे देखते हैं। वो गए ट्रेडमिल पे खड़े हुए, ट्रेडमिल पे खड़े हुए, मैंने उनको खाली ट्रेडमिल पे खड़े होते हुए देखा, मुझे लगा ये ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करने आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ट्रेडमिल स्टार्ट करी, मेरे को ट्रेडमिल स्टार्ट होने की आवाज़ आई, मैंने खाली उनको आँखों से उनको खड़े होते हुए देखा था। मैंने अपनी बेंच का लास्ट सेट कंप्लीट करके मैं उठा, मैंने कहा अंकल को बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, आप जाओगे ना लाइट वगैरह ये जो भी है बंद कर देना, आप अकेले ही हो जिम में। भाई मैं वहाँ गया, ट्रेडमिल की मशीन चल रही थी, वहाँ पे कोई अंकल नहीं थे, कोई भी नहीं था पूरी जिम में। और मैं ये देखते ही ना भाई मैं गिर गया, और मैंने अब मेरे हाथ में खाली मोबाइल था, मैंने अपना हेडफोन जिम में छोड़ा, पानी की बॉटल जो थी वो भाई जिम में छोड़ा, मैं गेट की तरफ भागा और मैं दो बार गिरा भागते भागते, मैं भाई बाहर नीचे आया, मैंने लिफ्ट भी नहीं ली, मैं सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आया, सीढ़ियों पे मैं दो बार गिरा और मैं वहाँ से कंटिन्यूसली भागा हूँ ना मैं। और मैं अपने भाई डोमेट्री पे आके, और मैं उस रात पूरी सोया नहीं, मैं हनुमान जी को अपने पास लेके, उसके नेक्स्ट दिन मुझे तगड़े वाला बुखार। मैंने ये बात किसी को बताई नहीं, मुझे लगा लोग हंसेंगे मेरे पे कि मतलब स्टोरियाँ बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। मैंने अपने घर पे शेयर किया, ठीक है, मम्मी ने मतलब वहाँ पे पंडित वगैरह को दिखाया, बोला मतलब उनसे, मम्मी ने जो यार घर वाले कर सकते थे उन्होंने किया। मेरे को तो मतलब ऐसे मन में बात बैठ गई थी, और मैं तो यहाँ तक कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई जिम तो छोड़ो वापस, किया मुझे शायद यहाँ पे भी नहीं रहना, मुझे फैमिली के पास जाना है। नेक्स्ट डे मुझे इतने तगड़े वाला बुखार आया, क्योंकि मैं डर इतना गया था, और यह पता नहीं क्या हो गया था बॉडी में, इतना तगड़ा फीवर आया भाई, मेरे बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, मैं गिरने गिरने को रहा था, मैं चल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर पे गया, दवाई वगैरह ली, ठीक है, और पता चला उन्होंने बहुत टेस्ट वेस्ट किए, उन्होंने इतनी वीकनेस देखी, बुखार भी 104 डिग्री था, मतलब ऑलमोस्ट एकदम पीक पे पहुँच गया था। उन्होंने भाई उन्होंने बोला कि एडमिट हो जाओ आप, सबसे बढ़िया है, क्योंकि बहुत कंडीशन ख़राब दिख रही है। अब मैं डॉक्टर को कैसे बताऊं कि भाई मैंने भूत देख लिया। और भाई उस चीज़ से ना मतलब मुझे मूव ऑन होने में ना, मैं सच बताऊं मुझे कम से कम लग गया महीना लग गया, अब जाके मतलब मैं इतने स्टेबल हो पाया कि उस टॉपिक को सोच के और मैं उस पर इतनी बात कर पा रहा हूं, वरना मैं ये चीज़ें सोच भी रहा था ना मेरे को डरने लग गया था। और हालांकि मैं अपनी रूम, उस दिन से आज तक अभी तक मैं यहाँ पर अपने रूम पर ना सारी लाइटें जला के सोता हूँ, मतलब तीन लाइटें रूम की, तीनों लाइटें जला के सोता। बट लिटरली भाई मैं भी इससे पहले ना बहुत बाहुबली बनता था कि ये सब चीज़ें कभी होती नहीं है।
बट उस जिम में मतलब वो अंकल का सडनली आना, वो भी चलो ठीक था, मुझे लगा अंकल मेरे बाद में जब मैं सावध एरिया में गया हूँ अंकल आए होंगे, एंटर हुए होंगे जिम में, और मुझे लगा ये मतलब पानी की आवाज़ें आना, कोई नहा रहा है, गाने चला रहा है, ये सब मजाक है, मतलब मुझे ऐसा लगा मैंने माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया पूरे दिन, सुबह से मैं लगा हुआ हूँ तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। बट मैंने अपनी आंखों से देखा था अंकल ने वो ट्रेडमिल मशीन चालू करी, ठीक है, अंकल वहाँ ट्रेडमिल पे खड़े हुए, मैं बेंच पे लेट गया बेंच मारने के लिए, मशीन चालू हुई, मशीन के चलने की आवाज़ आई मुझे, ठीक है, मशीन चली दी थी, मैं दो मिनट बाद ही मतलब दो क्या एक मिनट लगे होंगे मेरे को, एक मिनट बाद मैंने बेंच मार के वो रखा, अपना मोबाइल लेके ट्रेडमिल की तरफ गया, मशीन चल रही थी वहाँ पे, कोई अंकल नहीं थे पूरे जिम में, कोई अंकल नहीं थे, भाई मेरा दिमाग सुन पड़ गया, मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने तो ये भी देखा भी नहीं मोबाइल है या नहीं है, बट मेरे हाथ में मोबाइल था, बस मैं गेट की तरफ भागा, तीन बार गिरा था मैं भागने भागने में, नीचे आया, नीचे से मैं कंटिन्यूसली अपनी डोमेट्री तक भागा, मैं रुका नहीं, डोमेट्री पे आके भाई मैं हनुमान जी मेरे रूम में पड़े हुए थे, भगवद गीता पड़ी हुई थी, कंबल, मैं पूरे रूम की लाइट चलाई, मतलब मैंने खिड़की खोली, अपने आप को रिलैक्स किया, उसके बाद भाई मैं पूरी रात सोया नहीं, चार बजे सोया, और चार बजे मतलब मैं आठ बजे में सुबह उठ गया, और देखा तो बॉडी पूरी गर्म पड़ी है, बुखार से मतलब लगा हुआ हूँ, और मेरे पास ना कोई फैमिली थी ना कोई फ्रेंड था जो मेरी टेक केयर करे, और फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि शायद अब मुझे लग रहा है मुझे इंडिया वापस चले जाना चाहिए था, मैं टिकट वगैरह भी देख ली थी, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया था, फैमिली को भी बताया था, मैंने कहा कि ठीक है मैं वापस आ दूँ, मुझे नहीं लग रहा है स्टडी कर पाऊँगा, फिर सोचा कि मैंने वापस आऊँगा मैं ऑलमोस्ट अपने दो साल बर्बाद कर दूँगा, क्योंकि यहाँ इस बीच में मतलब सब कुछ छोड़ के ऑलमोस्ट अब मेरा एक साल रह गया, मैं ग्रेजुएट होने ही वाला हूँ, ये डिसीजन लेना पड़ा कि ठीक है यहीं रहते हैं, जिम वगैरह नहीं जाऊँगा, अपने आप को रिलैक्स करते हैं। सो भाई ये चीज़ ना अभी तक ऐसे दिमाग में बैठ गई है ना कि पूछो, मतलब मैं उस रोड पे जिस रोड पे जिम है ना मैं वहाँ पे भी नहीं जाता, इतना डर चुका हूँ, हालांकि अभी मैं हंस के बता पा रहा हूँ, बट उस टाइम पे ना भाई मैं रोने को भी नहीं होता था, मतलब मैं मुँह से एक वर्ड नहीं बोल पा रहा था, मैं चीखा था जब मैं सच बताऊँ जब मैं गेट की तरफ भागा था मैं चीख रहा था, पर मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कुछ, मैं पूरा लिटरली पूरे अंदर से जोर लगा के गला खोल के चीख रहा था, आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं भाग रहा था, मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे, मैं तीन बार गिरा, एक बार मैं सीढ़ी पे गिरा, उसके बाद भागते हुए कंटिन्यूसली मैं भाई डोमेट्री तक आया, और फिर उसके बाद इतना तगड़े वाला बुखार, तब से अब तक भाई मैं इतना डर चुका हूँ ना मतलब यहाँ पे उस जिम को लेके और ये सब चीज़ें, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई पैरा नॉमिनल एक्टिविटी होती है, ठीक है, हालांकि मैं उस जिम का नाम नहीं लेना चाहूँगा वो, क्योंकि बहुत बड़ी जिम है वो चाइना में, पैरा नॉमिनल एक्टिविटी होती है, और ये रियल लाइफ इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ है, मैंने फेस किया, इससे पहले मैं कहता था ये सब चीज़ें होती नहीं है, अगर भूत है तो मेरे सामने आए, बट उस वक्त जो चीज़ मेरे सामने आई तो वो मैं आज आपको बता दूँगा, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सो अभी फिलहाल चलते हैं बाहर, अपनी कॉफ़ी भी नहीं ख़त्म करी मैंने, कंटिन्यूसली बताने लग गया क्योंकि टाइम ही नहीं है। चलो यार यहाँ से निकलता हूँ, क्लास का टाइम होता है, अपना बैग भी उठाते हैं। हाँ हल्का हल्का ही धूप निकल गई यार, अच्छा लग रहा है देख के। तो भाई फाइनली मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आ गया, और यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हालाँकि कुछ यही बातें थी जो आपसे करनी थी। सो मैं हालांकि डर रहा था कहीं ना कहीं की चीज़ें रिकॉल होंगी अगर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा इन सब चीज़ों पे, फाइनली आज वीडियो बना दी। और यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे ना 90% व्यूअर्स ऐसे हैं यार जो वीडियो देखते तो यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते, यार सब्सक्राइब करना भले ही आपके लिए फ्री है बट लिटरली मुझे मोटिवेट करता है मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए और नए नए कंटेंट के लिए। सो यार आप लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल आदविक जर्नी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय, हैव फन।